हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीमास किचन। तो आज हम बनाएंगे करी मैगी। वैसे तो बहुत बार आपने बहुत तरह से बनाई होगी मैगी, मगर एक बार आप इसको मेरे तरीके से बना करके देखिएगा, टेस्ट आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो करी मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और जैसे ही मिर्च हल्की सी चटकने लग जाएगी, हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो बस यहाँ पर हम 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसे डाल करके हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। तो बस अब आप देख सकते हैं जो प्याज है वो काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और काफी अच्छे से भून गई है। तो इस स्टेज पर हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसी के साथ हम 1/2 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इन सब चीजों को डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेंगे। तो बस इसके साथ हम इसमें 1/2 शिमला मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हम इसमें स्वीट कॉर्न डाल देंगे। सब्जी आप कोई भी अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें बॉयल करी हुई थोड़ी सी मटर डाल देंगे और इन सब चीजों को डाल करके 1 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि जो सब्जियां हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, इससे उनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस सब्जियों को इस तरीके से भूनने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच सूखा धनिया हुआ पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इसमें 1/4 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें एकदम 1/4 चम्मच के जितना स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम, और 1/2 मिनट के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं सब्जियां बहुत ही अच्छे से भून गई हैं, बहुत ही अच्छे से इसका कलर भी आ गया है। तो अब बारी है इसमें पानी डालने की। तो लगभग हम इसमें 2 से 2.5 कप के जितना पानी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप डाला है, मगर मैंने बाद में थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दिया था क्योंकि मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था। और हम करी मैगी बना रहे हैं तो जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको डाल करके आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को हाई कर दें, जिससे कि पानी में अच्छे से बॉयल आने लग जाए। इसी बीच में जो मैगी का सैशे होता है, जो मैगी मसाला होता है, वो भी हम दोनों पैकेट डाल देंगे। क्योंकि मैंने 2 मैगी का यूज़ किया तो हम दोनों सैशे इसमें डाल देंगे। बाकी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर कुछ कम ज़्यादा करना हो तो आप इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला का एड ऑन और कर सकते हैं, जो अलग से सैशे आता है उसे डाल करके। तो मैगी मसाला डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करके इसे बॉयल होने दें, जिससे कि पानी में एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं जो पानी है वो काफ़ी अच्छे से बॉयल होने लग गया। तो यहाँ पर मैंने मैगी ली है तो इसे हम दोनों डाल देंगे इसमें। और मैंने मैगी को ऐसे पूरा साबुत साबुत डाला है, इससे बहुत ही अच्छी खिली खिली और बहुत ही लंबी लंबी बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, टेस्ट आपको बेहद पसंद आएगा। तो बस इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर हम अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि मैगी अच्छे से सॉफ्ट होके खुल नहीं जाती। और कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग आया है, बहुत ही डिलीशियस लगती है ये वाली मैगी। एक बार आप ज़रूर इसको बना करके ट्राई करिएगा, टेस्ट आपको बेहद पसंद आएगा। तो बस मैगी हमारी बहुत ही अच्छे से एकदम रेडी हो चुकी है, इसे
अच्छे से पकाने के बाद इस स्टेज पे जब मैगी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें एक चम्मच अमूल बटर का डाल देंगे। इससे जो इसका टेस्ट है वो और ज़्यादा खिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आएंगे आपको और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगेगी ये मैगी। वैसे तो हर किसी को मैगी खाना बहुत पसंद होता है, मगर एक बार आप मेरे कहने से इस करी मैगी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा डिलिशियस लगती है ये। तो बस मैगी हमारी बन करके रेडी हो चुकी है, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और चलिए इसे सर्व करते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी मैगी को सिंपल तरीके से एकदम सर्व कर दिया है, गर्मा गर्म आप इसे बना करके सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगती है। आपके घर में बड़ों को, बच्चों को, सभी को बहुत ज़्यादा ये वेजिटेबल करी मैगी की रेसिपी पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। थोड़ा सा हम इसे हरा धनिया से गार्निश भी कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।